हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। लास्ट सेशन तक हमने अकाउंट्स के मेजर सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस, सारे ही चैप्टर्स के डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो अकाउंट्स का आपका अटके, और कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं डिटेल में डिस्कस करूं अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। हम सारे एमसीक्यू जैसे अकाउंट्स में किया हमने चैप्टर वाइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब पेपर आए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। तो आज के बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, और इंट्रोडक्शन से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जो कि है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनु जिंदल के नाम से। ठीक है, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो तो जल्दी से anujindal.in पे जाइए, वहां पे जाके ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर के एग्जाम पे जाके इनरोल कर लीजिए। करें स्टार्ट आज के एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद। बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पांचों के पांचों ठीक होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद। 4 ऑप्शन है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, All aspects of acquiring and utilizing means of financial resources from firm's activities, efficient management of every business, and none of the above. Financial management किस से concerned है, किस में काम, financial management हम किस बारे में discuss करते हैं basically? ठीक है, आपको करना क्या है, answer देने से पहले एक जगह, एक notebook पे या एक page पे 5 heading, 5 serial order डाल लो और check करो कि आपके कितने answer सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर basic questions भी आपके गलत हो रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि एक बिजनेस में फंड्स कहाँ से आए और कहाँ कहाँ यूटिलाइज करें। मतलब सिर्फ अरेंजमेंट की बात नहीं, कहाँ से एक्वायर करने है सिर्फ उसकी बात नहीं होती, साथ साथ यूटिलाइजेशन की बात होती है कि भाई अगर एक्वायरिंग की बात करूं तो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, क्या हमें इक्विटी से उठाना है, डेट से उठाना है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। और यूटिलाइजिंग की बात करूं तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करें या ना करें, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या बेसिस रहेंगे इन्वेस्टमेंट के। तो ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, ए है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एसेट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन। Which is the main goal of financial management? याद रखना, main goal की बात करी गई है। क्या है main goal financial management? Profit maximization, profit maximization क्या? कि profit को increase करना अपने। Asset maximization, assets को बढ़ाना। Wealth maximization, wealth maximization का मतलब क्या होता है? Shareholders की wealth को बढ़ाना, shareholders की value को बढ़ाना। ठीक है? या फिर हम बात करें सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना। क्या हमारा मेन गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो हमारा मेन गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना। एक अल्टीमेट गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और शेयर होल्डर्स की वैल्यू चेक कैसे करी जाती है, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी हमारे शेयर्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो डिफाइन करती है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी है। मतलब अल्टीमेट गोल क्या हो गया, हमारे शेयर्स का मार्केट वैल्यू इंक्रीज करे।
ठीक है, मतलब वो डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास में तो सारे आपको आने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इंक्लूड, ये हमने डिस्कस भी करा था क्लासेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल्स हैं मैनेजर के, कि उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से रोल हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, कैश मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। विच ऑल ऑफ देम आर दी इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस, कि फाइनेंस के एनालिसिस वगैरह करना, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करना, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो गई कि भाई डेट इक्विटी को डिफाइन करना कि कितना डेट होना चाहिए कितना इक्विटी होना चाहिए, कैश मैनेजमेंट की बात हो गई कि कितना कैश होना चाहिए हमारे पास, और जो अगर हमारे पास एक्सेस कैश है तो उसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या रिटेन करना चाहिए अपने पास रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें, या ऑल ऑफ द अबव। क्या काम होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये सारे ही रोल्स प्ले करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड कैपिटल डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट है, जल्दी से बता दो। आपको जल्दी से रिकॉल करवा दूं, जब हम डिसीजंस की बात करते हैं, जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो उसमें हमने तीन डिसीजंस पढ़े थे। कौन कौन से तीन डिसीजंस पढ़े थे, एक था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। मेन थ्री डिसीजंस कौन से होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने इसको दो कैटेगरीज में बांटा था, कौन कौन से, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या शॉर्ट टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में डिसीजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म एसेट्स जो कि हमारे वर्किंग कैपिटल होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल बजटिंग हमारा पार्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, डिविडेंड डिसीजन में हम बात करते हैं मॉडल्स की, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, जो कैपिटल स्ट्रक्चर की याद हो तो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म रिस्क रेफर्स टू, रिस्क किसे कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस, वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स, चांसेस ऑफ नो रिटर्न या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बात करें तो ये तीनों ही रिस्क है एक तरह के, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो उधर हम रिस्क किसको कहते हैं, कि हमें जो लॉसेज हो रहे हैं कि भाई फ्यूचर में लॉस हो जाएगा वो रिस्क है, या जो फ्यूचर में जो आउटकम्स आ रहे हैं वो रिस्क है, मतलब वो चेंज हो रहे हैं वो रिस्क है, या फ्यूचर में रिटर्न नहीं आएगा वो रिस्क है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। देखो जब हम फ्यूचर आउटकम्स की बात करते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं लॉसेस भी हो सकते हैं, कि लेट सपोज मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट होंगे 20%, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो मार्केट चलती नहीं, हो क्या सकता है कि हम इससे हायर रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं, इससे लोअर रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं, हम चाहे तो लॉसेस भी इनकर कर सकते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन भी आ सकती है कि हमें कोई रिटर्न ही ना हो, बेसिकली कम रिटर्न होना कि लेट्स अबाउट 10% ही रिटर्न आया, या ना रिटर्न होना या लॉसेस में जाना, सारा ही हमारा रिस्क है। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर आउटकम्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वो वेरी करेंगी, वो ही हमारा क्या है,
रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से, होप सो आप सबने सही आंसर दिए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी जैसे अकाउंटिंग में किया कवर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हर बार की तरह, लास्ट वन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड डिसीजंस इज रिलेटेड टू राइट इशू ऑफ शेयर्स, रीइन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव। इन चारों में से डिविडेंड डिसीजन किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम हर थर्सडे मिलेंगे 2 PM और डिस्कस करेंगे अपना FM। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।